देशभर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 36,000 नए मामले सामने आए। 172 मरीजों की मौत, अकेले महाराष्ट्र में 23,169 नए मामले। लॉकडाउन पर मंथन, संक्रमण की वजह से उत्तर प्रदेश के नोएडा में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू। अहमदाबाद में अगले आदेश तक लोकल बस सेवा बंद। केंद्र सरकार पर आरोप, आधार कार्ड की वैधता को लेकर रद्द कर दिए थे 3 करोड़ राशन कार्ड। राशन से वंचित किए जाने के बाद लोगों की मौत के आरोप में राज्यों और केंद्रों को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, कहा ये बहुत गंभीर मामला। हेमंत नगराले बनाए गए मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर। सचिन वाझे मामले के बाद किए गए बदलाव में रजनीश सेठ महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक बनाए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बताया हत्यारा। रूस ने अमेरिका से वापस बुलाए राजदूत। चुनाव में गड़बड़ी फैलाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में बाइडेन बोले उन्हें चुकानी पड़ेगी इसकी कीमत। किसान आंदोलन पर अपने बयान के बाद बोले मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक, अगर केंद्र को लगता है मैं नुकसान कर रहा हूं तो छोड़ दूंगा गवर्नर का पद। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर ने माइक पर अजान के खिलाफ डीएम को शिकायत की, कहा अजान से नींद में पैदा होती है खलल, पुलिस कर रही जांच। राज्यों के साथ मीटिंग में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कुछ हफ्तों में कोरोना के मामलों में 150% की वृद्धि, देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति, उठाने होंगे निर्णायक कदम। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 10% कोरोना की वैक्सीन बर्बाद। और आईसीसी की ताजा T20 रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों को मिला जबरदस्त उछाल। शानदार बल्लेबाजी से कोहली की टॉप 5 में वापसी। इंग्लैंड के खिलाफ जारी 5 मैचों की T20 सीरीज में फॉर्म में दिख रहे हैं विराट।